أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

बेहतरीन आदाब इख्तियार करने का हुक्म दे रहे हैं और वो अलफाज इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं जो यहूदी इस्तेमाल किया करते थे और उन अलफा के ज़रिए नबी आलिस्लाम की तोहीन किया करते थे चुनान ल तलफ रमाते हैं या यूह लदीन आ ए वो लोगो जो ईमान लाए हैं ईमान लाए हैं किस चीज़ पर ईमान लाए हैं हर उस चीज़ पे ईमान लाए हैं जिस चीज़ पे ईमान लाना वाजब है और ईमान के अरकान छः हैं नंबर एक अल्लाह ताला पे ईमान लाना नंबर दो अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाना नंबर तीन आसमानी किताबों पे ईमान लाना नंबर चार फरिश्तों पे ईमान लाना नंबर पाँच रोजे आखरत पे ईमान लाना और नंबर छः तकदीर पर ईमान लाना तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना नहाज़ ज़रूरी है जो इन में से किसी एक चीज़ पे ईमान नहीं रखता वो काफ़र है मुसलमान नहीं है मोमिन नहीं है और अल्लाह ताला किन से मुखातब हैं मोमिनों से तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ए वो लोगो जो ईमान लाए हैं यानी कि ए ईमान वालो ला तयन तुम ये ना कहो कि रीन कि हमारी रैत कीजिए वंदरना और तुम कहो उन हमारा इंतज़ार कीजिए हमें देखिए वसमाओ और बात ध्यान से सुनो वरील काफीन आजाबनिम और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है तो अल्लाह रबालत ममनों से मुखातब हैं और अल्लाह ताला तुरान हकीम में कई एक मकामात पे ममनों से मुख़ातब होते हैं और अल्लाह ताला ये तेल्फ इस्तेमाल करते हैं कि ए ईमान वालों इनफ़ाज के, वालो। इन के इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर तुम वाकई मोमिन हो तो ईमान का तकादा यह है कि जो तुम्हें आर्डर दिया जा रहा है उसे मान लो उसकी तामील करो अगर तुम मोमिन हो तो ईमान का तकादा यह है कि जिन चीज़ों से रोका जा रहा है उन चीज़ों से दूर रहो जिन चीज़ों को हराम करार दिया जा रहा है उन्हें हलाल ना जानो तो या यूदीन आमनु ए, ए लोगो जो अल्लाह पे ईमान का दावा रखते हो अल्लाह की ये बात मानो वो लोगों जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान का दावा रखते हो अल्लाह के रसूलों के बारे में ये बात मानो यानी कि ईमान का तकादा यह है कि ये बातें मानी जाएं और अगर तुम ये बातें नहीं मानते इसका मतलब यह है कि तुम ईमान के दावे में झूठे हो ईमान का दावा फिर नारों की हद तक है हकीकत से उस दावे का ताल्लुक नहीं है तो या यून आ ए ईमान वालो लातुलना लातुलु तुम ना कहो क्या ना कहो राईना राईना असल में क्या है राई ना री अलग है ना अलग है ना का मना क्या होता है हमें और राई फेल अमर है किस बाप से बाप रा आई से बा मुफाला से राई ना हमारी रत कीजिए हमारा ख्याल कीजिए तो लात राइना तुम ये ना कहा, कहा करो कि रायना हमारा ख्याल कीजिए यानी कि यह लफ्ज इस्तेमाल ना किया करो इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से क्यों रोका जा रहा है यह लफ्ज़ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है लेकिन मुआशरे में मशकूक बना दिया गया क्यों मशकूक बना दिया गया क्योंकि यहूदी इसका इस्तेमाल गलत करते थे वो अपनी जुबान को मोड़ते हुए क्या कहते थे रायना इन के आइन और नून के दरमियान या पैदा कर लेते थे रायना अब माना क्या बनता हमारे चरवाहे मुसलमान नबी अली अलीलातम की तवज् चाहने के लिए कहा करते थे रायन बगैर या के कि हमारी रैत की दी है हमारा ख्याल रखिए यहूदी यही लफ्ज इस्तेमाल करते लेकिन जुबान को मोड़ते हुए उसमें या पैदा कर देते और कहते रायना न के अंदाज में गुस्साखी के अंदाज में हमारे चरवाहे और दूसरी तफसीर इसकी यह बयान की गई है कि वो राना की बजाय कहते राएनन। और रायनन क्या है यह इसम फाइल है किससे से यर उनू से, से और उसका मना क्या होता है हमाकत करना तो रायनन इसम फाइल यानी कि अहमक तो नाउद बिल्ला नबी नबीत उस को अहम कहते लेकिन ज़ाहिर यह करते कि हम वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं जो मोमन इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ने कहा मोमों से कि ये लफ्ज इस्तेमाल करना तर् कर दो जिस लफ्ज की वजह से नबी अलीलाम की तोह होती है आपकी गुस्साखी होती है इससे पता चला के मशकूक अल्फाज से दूर रहना चाहिए और इससे भी पता चला कि यहूदियों की मुशाबत इख्तियार करने से बचना चाहिए यहूदी ये लफज इस्तेमाल करते हैं मुसलमान ये लफज इस्तेमाल ना करें ताकि वो यहूदियों के मुशाबे करार ना पाए और यहूदियों की ये कमीनगी कई मौका पे जहर हुई मिसाल के तौर पे सही हदीस है कि नबी अलीसम के पास आते तो अलमकुम की जगह पर क्या कहते असलमालिक जहर ये करते हैं कि हम असलाम कह रहे हैं लेकिन हकीकत, हकीकत में क्या कह रहे होते थे असामू असल आप सलामती नाजर हो और अलिक आप पर मौत नाजर हो आप पे मौत तारी हो तो इस किस्म की तोहन वो पहले नबियों की भी करते रहे हैं और हमारे नबी की तोहन भी करने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए अल्लाह रबुल्जत ने इससे रोक दिया और अल्लाह ने اس بات کا تذکرہ سورہ نساء میں بھی کیا ہے. ہیں من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أقوم अल्लाह तला कह रहे हैं कि कुछ यहूदी अल्लाह के कलाम को उसके हकीकी माना से तब्दील कर देते हैं उसमें तहरीफ करते हैं कुछ यहूदी ऐसे हैं जो गुफ्तु में कलाम में क्या करते हैं तहरीफ करते हैं माने को तब्दील कर देते हैं अल्लाह तला ने फरमाया ये यह यहूदी क्या करते हैं समयना बजहिर कहते हैं कि हमने आपकी बात सुनी अल्लाह के रसूल आलि साहब से हमसे कहते हैं, हमने आपकी बात सुनी यानी कि हमने बड़े अदब से बड़ी तवज्जो से आपकी बातें सुनी हैं, लेकिन साथ ही क्या कहते व आसैना हमने आपकी बातें सुन ली हैं लेकिन मानेंगे नहीं वसमा गई रमुस्म दूसरा लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते कि इसमा आप सुनिए गई रमुस्म इस हाल में कि आपको सुनाया ना जाए अब ये जुमला इस्तेमाल होता था किसी को ये पैगाम देने के लिए कि आप हमारी बात सुने और हमारी दुआ ये है कि कभी भी आपसे कोई बुरी बात ना करे आपको बुरी बात सुनने का मौका ना मिले लेकिन वो यही अल्फाज इस्तेमाल करते और इन अल्फाज का वो माना मुराद नहीं लेते थे जो लोगों में मशहूर है वो क्या माना मुराद लेते थे इस माह हमारी बात सुने गैर मुस्मा इस हाल में कि आपको सुनाया ना जाए यानी कि आप सुनने के काबल ना रहें आप बहरे हो जाएं यहूदी किस कदर सरकश हैं किस कदर गुस्ताख हैं अल्लाह के नबियों के ये आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह रबुल इज्जत के इस कलाम से और इन आयतों से और उस ऐत में यानी कि सुरह निसा की ऐत जिसकी अभी फिलहाल मैं तफसीर कर रहा हूं वहां पर अल्लाह ने बताया कि तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं राइना तो तीन इनके अल्फाज अल्लाह ने बताए जिनका गलत इस्तेमाल करते थे तो तीसरा वो जो यहां पर आया इस ऐत में जो सूरह बकरा की आयत नंबर एक सौ चार है जिसकी तफसीर आज के दर्श में हम करना चाह रहे हैं अल्लाह तला कहते हैं लय बल ये लोग ये अल्फाज ये जुमले इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबानों को मोड़ते हुए तोड़ते हुए वतानीन और दीन में तान करते हुए अल्लाह तला कहते हैं वलो समा वाकाना ये क्या कहते हैं समय ना हमने आपकी बात सुनी लेकिन मानेंगे नहीं इसकी बजाय इनको कहना चाहिए था समय ना हमने आपकी बात सुन ली और हम आपकी इतात करेंगे आपकी बातों पर अमल करेंगे और इनको क्या कहना चाहिए था इसमा हमारी बात सुनिए साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कि गैर मुस्मा इतना कहें कि इस माह हमारी बात सुनिए और राईना की जगह पे क्या कहना चाहिए हमारा इंतजार कीजिए हमारे ऊपर नजर फरमाइए हमें तवज्जो दीजिए हमें भी देखिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए तो अल्लाह ताला यहां पे भी बयान कर रहे हैं ए ईमान वालो लात राइना तुम ये ना कहा करो राईना तो रना का मना क्या हमारी रत कीजिए हमारा ख्याल रखिए तो ये लफ्ज़ अपनी जगह पे क्या था ठीक था लेकिन यहूदी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं इसलिए मुसलमानों को इसके इस्तेमाल से मना कर दिया गया वकुलू साथ ही मुतबादल बताया जा रहा है कि रायना ना कहो तो क्या कहना है उसकी जगह पे वकुलू और तुम कहो फेल अमर है लात क्या था रोका जा रहा था ना, ये राइना ना कहो वकुलू और कहो क्या दुरना हमारा इंतजार कीजिए हल अंदरून फुल गुरना के मना होता है हमारा इंतजार कीजिए या उन्दुरना हमारी तरफ देखिए हमें तोजो दीजिए तो ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें वसमाऊ अल्लाह कहते हैं राय ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना उन्दुरना का इस्तेमाल कर सकते हो वसमाऊ और नबीमाम की बात ध्यान से सुना करो इसलिए सुना करो कि उसे मानना है उस पर अमल करना है उसे कबूल करना है आपकी बात ध्यान से सुना करो ताकि बार बार ये कहने की जरूरत पेश ना आए कि हमारा ख्याल रखिए, हमें देखिए पहली बार जब आप बात करें ध्यान से सुनो तवज्जो से सुनो ताकि यह सवाल करने की नौबत ही ना आए फरमाते हैं और काफलों के लिए दर्दनाक अजाब है अलीम के माना में है तकलीफ देने वाला दर्द देने वाला और काफलों के लिए है अजाब कौन सा अलीम दर्दनाक तो ये कौन सा अजाब है जहन्नम का आग का अजाब अल्लाह रबुल्जत हम सब को इससे महफूज रखे। उसके बाद हम बढ़ते हैं ऐत नंबर एक की तरफ अल्लाह तरमाते हैं ऐत नंबर एक में ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نهي شاهتي वो جينوني كفر اختيار کیا يهودي اور عیسائیوں میں سے اور दोनों तरह के काफर नहीं चाहते क्या नहीं चाहते किसमिन खैर रबीकुम के तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भी खैर नाजल की जाए और अल्लाह तला अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है खास कर लेता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है मा नहीं चाहते कौन नहीं चाहते अल्लादी ने वो लोग जो काफर हैं क्या नहीं चाहते कि मुसलमानों पे कोई खैर नाजिल हो इससे पता चला कि काफिल मुसलमानों के क्या है दुश्मन है जैसे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं इन लकुम अदुन शैतान तुम्हारा दुश्मन है फत खिदू उसे दुश्मन समते रहा करो उससे बच के रहा करो ऐसे अल्लाह ताला ने इस में वादे कर दिया कि यहूदी और ईसाई और मुशरकिन मुसलमानों के दुश्मन हैं वो नहीं चाहते मुसलमानों को कोई खैर मिले ना दुनिया की ना आखरत की तो इस लिहाज से मुसलमानों को हर वक्त काफरों से खबरदार रहना चाहिए उनसे दिली दोसियाँ कैम करना दुरुस्त नहीं है उन्हें अपने मुल्क में बुलाकर बड़े बड़े अहदे देना और ये समझना कि हमारी खैर खाई करेंगे तरक्की में हमारा हाथ बटाएंगे ये सोच सोच नहीं है अलबत् उनमें कोई ऐसा हो सकता है खसूस ईसाइयों में से चंद लोग हो सकते हैं जैसा कि अल्लाह ने वादे किया है बाद में लेकिन तौर पर क्या है वो? मुसलमानों के दुश्मन हैं और वह मुसलमानों को तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते मुसलमानों काज उन्हें गंवारा नहीं है उनकी सासें इसलिए होती हैं कि मुसलमानों को तरक्की से रोका जाए इन्हें अरूज से रोका जाए इनके रास्ते में रुकावट बना जाए तो मावुल्दीन कफ़र उहल किताब नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया अब जिन्होंने कुफर किया ये कौन है इनकी वजाहत के लिए अल्लाह तला ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए मिन अहल किताबी वुलमशरकिन तो इसलिए मिन जो है ये मिन बयानिया है ये मिन किस की के लिए आए अल्दीन कफ़रु की वजाहत के लिए कि वह लोग जो काफ़र हैं कौन से काफर मुराद हैं अल्लाह ने कहा दोनों तरह के काफर यहूदी और ईसाई भी मुराद हैं और जो मुशरकनी अरब हैं वो भी मुराद हैं यहूदी और ईसाई भी मुराद हैं जिन्हें और इंजील दी गई और आम मुशरक भी मुराद हैं आम मुशरक भी मुसलमानों के बारे में खैर को पसंद नहीं करता और यहूदी और ईसाई भी मुसलमानों के बारे में खैर को पसंद नहीं करते तो मा कफरू मिन कफर किताब वल मुशरकिन तो यहां पर किताब कहा गया है किताब वाले किन को कहा गया है यहूदियों और ईसाइयों को क्योंकि इनके ऊपर किताबें नाजल हुई थी कौन सी किताबें थोड़ा तुरा तो इंजीर और मशरक जो हैं ये हैं। है ये उम्मी हैं किताबों के बगैर हैं इनका तस्करा अलग से किया गया अच्छा नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया एहल किताब में से और ना ही मशरक में से क्या नहीं चाहते यवदू फेल का मफूल क्या है <laughs> नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भी खैर नाजल की जाएजल उतारी जाए नाजल की जाए तुम्हारे ऊपर कोई भी खैर मिन खैर मिन कौन सा है जायदा का फायदे किसी किस्म की खैर वो नहीं पसंद करते हैं कि मुसलमानों को मिले चाहे उस खैर का तल्लुक दुनिया से हो चाहे उस खैर का तल्लुक आखरत से हो किसी किस्म की खैर मुसलमानों को मिले उन्हें गंवारा नहीं है मिन खैर मब कुम तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर तुम्हें मिले उन्हें पसंद नहीं है मर रब तुम्हारे रब की तरफ से ये रबूबियत कौन सी है रबूबियतें खासा तुम्हारा रब इसमें मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह मुसलमानों का रब है अल्लाह मोमों का रब है वैसे तो अल्लाह सब का रब है काफरों का भी मुसलमानों का भी लेकिन मुसलमानों का रब अल्लाह खसूसी तौर पर है इनके अल्लाह तबूबियत आमा है सबका खालक है मालक है राजक है लेकिन हिदायत देने के लिहाज से ईमान की तोफीक देने के लिहाज से अल्लाह तला किन का रब है मोमनों का है काफरों का रब नहीं है इसलिए रबीते क्या है खासा है वाहु ही मैं और अल्लाह तला खास करता है यख खास करता है बिरहमति अपनी रहमत के साथ मैं जिसको चाहता है अल्लाह पे चाहे अपनी रहमत नाजल करे अल्लाह को कौन रोकने वाला है ये काफर कौन होते हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं आर्दू रखते हैं कि मुसलमानों पर कोई खैर नाजल ना हो क्या ये अल्लाह तला की राह में रुकावट बन सकते हैं कतन नहीं बन सकते अल्लाह तला पे चाहे रहमत करे इस जुमरे से एक तो अल्लाह ताली की मशीयत का इलम हो रहा है कि अल्लाह तला की मशीयत जो है यह अल्लाह ताली की सिफात में से एक सिफत है अल्लाह तला पे चाहता है अपनी रहमत करता है इसे अल्लाह तला की मशीत का इस बात हुआ और इसी जुमले से पता चला अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है रहमत का अल्लाह रहमान रहीम है रहमत करने वाला है यहां पर कहा अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है और बड़ी रहमत जो यहां पर मकसूद है मुराद है वो कौन सी है नबूवत कुरान का नजूल यानी कि अल्लाह ने जनाब मोहम्मद पर अपना कलाम नाजर किया सल्लाम उन पे वही नाजल की उन्हें नबूवत दी ये अल्लाह तला की राहमत है जिसकी वजह से यह रसाई हसद कर रहे हैं जल रहे हैं अल्लाह फरमाते हैं ये कौन होते हैं अल्लाह तला की रहमत के बारे में सोचने वाले कि उस पर नाजल हो और उस पर नाजल ना हो सूरज जुखरफ में अल्लाह तला, तला फरमाते हैं वकालू लुजीनु आला अजीम अहम रहमत रहतिक अल्लाह तला कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि कुरान क्यों ना नाजल हुआ इन दो शहरों के किसी अजीम आदमी पे मक्का के किसी अजीम आदमी पे कुरान होता उसको नबी बनाया जाता ताइफ के किसी अजीम आदमी पे नबुवत नाजिल होती वही नाजल होती उस पर कुरान नाजल होता नबी उसको बनाया जाता ये मोहम्मद ये कोई अजीम आदमी नहीं है ना मक्का में एक अजीम आदमी है ना तयफ वाले इसको अजीम आदमी समझते हैं इस पर नबूत क्यों नाजल हुई है अगर नबूत वाकई अल्लाह रबुलजत की तरफ से है तो वो इस पर नाजर क्यों हुई अगर ये नबूवत अल्लाह की तरफ से होती अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से होता अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो अल्लाह तला किसी अजीम आदमी पर नाजर करते अल्लाह ने क्या जवाब दिया अहम यकसमत रबिक तेरे रब की रहमत किस पे नाजिल हो किस पे नाजिल ना हो इसका फैसला इन्होंने करना है वल्लाहमत ही मैशाह अल्लाह अपनी रहमत के नजूल के लिए जिसको चाहता है मंतखब कर लेता है अल्लाह सफी रसुलनास अल्लाह तला फरमाते हैं अल्लाह तला फ रिश्तों में से जिसको चाहता है अपना रसूल और सफीर बना लेता है और इंसानों में से जिसको चाहता है अपना रसूल नबी और सफीर बना लेता है तो वल्लाहु वाहत रहमति ही मैशा वल्लाफजीम और अल्लाह बड़े फजल वाला है तो ये सोच मक्का वालों की भी थी कि अगर मोहम्मद नबी होते सलम तो ये नबूवत इनको नहीं मिलनी थी मक्का मदीना के किसी अजीम आदमी को मिलती और यही सोच यहूदियों को भी थी कि अगर नबूवत मिलना होती तो वो हमारी नस्ल में से किसी को मिलती बनो इसहाक में से किसी को मिलती याकूब अली आलिसम की औलाद में से किसी को मिलती बनी इसराइल में से किसी को मिलती जितने नबी पीछे पीछे से चले आ रहे हैं सब बनो इसहाक में से हैं और ये मोहम्मद बनी इसहाक में से नहीं है बनी इसराइल में से नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बनी इस्माही में से है अली की औलाद में से है ये नबी कैसे हो सकता है इसको हम नबी कैसे मान लें तो हसद है इसके पीछे मक्का वाले भी आपको नबी नहीं मान रहे हसद की वजह से और यहूदी आपको नबी नहीं मान रहे किस वजह से हसद की वजह से वाहीम अल्लाह बड़े फजल वाला है जिस पे चाहता है अपना फजल नाजल कर देता है उसको कौन पूछने वाला है और इन जुमलों को पढ़ने के बाद वो हदीस याद आती है जो हदीस कु है जिसमें नबी आलोलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तला कहते हैं वा अंदल अंदा लविज तमाऊ फाऊ بشيء قد كتب الله لك. अगर सारे के सारे लोग आपका कोई फायदा करना चाहें आपको कोई फायदा देना चाहें नहीं दे सकेंगे सवाए उस फायदे के जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया है और इसी हदीस का दूसरा हिस्सा क्या है कि अगर सारे के सारे आपको कोई तकलीफ देना चाहें नुकसान पहुंचाना चाहें नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे सवाए उस नुकसान के जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया है इसका मतलब यह है कि सारे मामला अल्लाह के हाथ में हैं तो वल्लाफजीम अल्लाह बड़े फजल वाला है जब किसी पर फजल करना चाहे तो अल्लाह के फजल को रोक सक, रोकने वाला नहीं, नहीं है माफ ना रहमतिन फला मुमस कल कि अल्लाह ताला जो राहमत देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं है उसके बाद ऐत नंबर एक सौ अल्लाह तला फरमाते हैं मा تعلم आओ الله على كل شيء قدير। इस ऐत का तर्जमा के जो ऐत हम मनसूख कर दें या हम उसे बुला दें तो हम उससे बेहतर लेकर आते हैं या उस जैसी लेकर आते हैं क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है इस ऐत में नसख का मौजू बयान हुआ है नसक किसे कहते हैं नसख का लफ्जी माना है किसी चीज को उठा लेना किसी चीज को जैल कर देना और शरीयत की अलाह में के नाम नसक किस को मानते हैं कि रफुलुक्म सबित बेखाबिन मतकदम बेखताबिन मतराखन अन हो कि अल्लाह अल्ला इज़्ज़त ने एक हुक्म नाजल किया क़ुरान की किसी ऐत में या किसी हदीस में फिर उसको किसी और ऐत के ज़रिए या किसी और हदीस के ज़रिए उठा लेना, लेना खत्म कर देना कैंसिल कर देना इसको क्या कहते हैं नस्ख? जो ऐत बाद में नाजिल हुई है जो पहले हुक्म को कैंसिल कर रही है उसको क्या कहते हैं नासिख और जो ऐत मनसूख हुई है कैंसिल हुई उसको क्या कहते हैं मनसूख जो ऐत कैंसिल कर रही है पहले हुक्म को उसको क्या कहेंगे नासिख और जो ऐत कैंसिल हुई है उसको क्या कहेंगे मनसुख तो यहां पे नस्क का बयान हो रहा है और गुफ्तगु आप जानते हैं कि यहूदियों के बारे में है बनी इसराइल के बारे में है तो उनका इस मौजू से क्या ताल्लुक यहूदी नस्क के कायल नहीं।, नहीं है यहूदियों का यह मानना है कि नस्क मुमकिन नहीं है यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तला पहले एक हुक्म दें और फिर उसको वापस लेने ले, उसको कैंसिल कर दें। अगर हम ये मान लेते हैं कि अल्लाह तला पहले को हुक्म देता है बाद में कैंसिल कर देता है इसका मतलब ये हुआ कि नऊद बिल्ला एक चीज अल्लाह को पहले मालूम नहीं थी बाद में मालूम हुई वो कहते हैं नस्क का अकीदा अल्लाह की तोहीन पे मबनी है और हम कहते हैं कि तुम्हारा नसक पर यह इनकार और एतराज तुम्हारी जहादालत की दलील है पहले हुक्म को कैंसिल कर देना इसका मतलब यह नहीं होता कि एक चीज आपको मालूम नहीं थी बाद में मालूम हुई है इसीलिए आपने कैंसिल किया है बल्कि इसका एक मतलब यह होता है कि पहले जमाने में एक हुक्म लोगों के लिए मुनासिब था अब एक वक्त गुजरने के बाद वो हुक्म नहीं कोई दूसरा हुक्म मुनासब है आप डॉक्टर को लें हकीम को लें वो मरीज के लिए एक इलाज तजवीज करता है एक हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद जब वो देखते हैं कि मरीज की हालत तब्दील हो चुकी है तो अब उसका इलाज क्या करते हैं तब्दील, तब्दील कर देते हैं पहला नुस्खा कैंसिल कर देते हैं नया नुस्खा लिखते हैं तो क्या हम कहेंगे कि इसका मतलब यह है कि पहला नुस्खा गलत था नहीं पहला नुस्खा उस वक्त मरीज की उस हालत के मुताबिक ठीक था और अब वाला नुस्खा मरीज की अब की हालत के मुताबिक ठीक है यह डॉक्टर के जाहिल होने की दलील नहीं है रबुल्जत ने कोई हुक्म नाजल किया जिस जमाने में नाजल किया उस जमाने में लोगों के लिए वो मुनासब था जब उसे उठा लिया गया दूसरा हुक्म दिया गया तो अब दूसरा हुक्म लोगों के लिए मुनासब है और नशक तुरात में मौजूद है और क्या तो रात ने मूसा अली इस्लाम की शरीय ने पहले अम्बिया कराम की शरीय को कैंसिल नहीं किया था मनसूख नहीं किया था यह खुद मानते मनसूख किया था तो इसलिए नशक का अकीदा बिल्कुल ठीक है और इस पर ईमान लाना वाजब है नश्क शरीयत में इस लिहाज से पाया जाता है कि एक शरीयत पहली शरीयत को कैंसिल कर रही है और इस लिहाज से भी पाया जाता है कि एक शरीयत के अंदर पहले एक हुक्म नाजुल होता है वो मनसूख हो जाता है और बाद वाला हुक्म उसे कैंसिल कर देता है तो दोनों तरह का नश्क शरीयत में मौजूद है तो अल्लाह यहां पर फरमा रहे हैं मा सख्म मिन आयिन जो भी ऐत हम मनसूख कर दें माँ जो पहला है ये शर्तिया है और मीन जो है ये बयानिया है किसका बयान है माँ का माँ में बहाम है जो भी हम मनसूख कर दें वो जो क्या भाई वो ऐत मिन आया जो भी ऐत हम मनसूख कर दें ओ न सिहा या हम उसको क्या करें बुला दें दे। दे। इनके अल्लाह रबुल इज्जत पहले हुक्म को मनसूख कर देते हैं उसके बदले में नया हुक्म नाजिल होता है या अल्लाह इज्जत जिस हुक्म को उठाना चाहते हैं नबी अली सलाम के दिल से उसको उठा लेते हैं आपको बुला दिया जाता है तो मा मिन जो भी आयत हम मनसूख कर दें उठा लें औहा यह हम उसे क्या करें बुला दें तो जवाब शर्त क्या है ना आती बिख मिन ओ मिसहा हम उससे बेहतर ऐत लेकर आते हैं औ मित्रिहा या उस जैसी ऐत लेकर आते हैं नशक की एक मिसाल में देना चाहूंगा ताकि मामला वाजे हो जाए सुरफाल में ल तला फरमाते हैं यानी न साबिरु नगलिबू में अतन ए नबी आप मोमनो को किताल की तरगीब दें किला में लड़ने की तरकीब दी अगर तुम में से बीस हो सबर करने वाले डट जाने वाले तो कितने काफरों पर गालब आ जाएंगे दो सौ पे इस ऐद का मफहूम यह है कि अगर किसी जगह एक मुसलमान है और उसके मुकाबले में दस काफर हैं तो उस पर वाजब है कि उनका मुकाबला करे भागने की मैदान छोड़ने की इजाजत नहीं।, नहीं है लेकिन अगर ग्यारह काफर हो फिर मैदान छोड़ने की इजाजत है एक मुसलमान को कितने काफरों का मुकाबला करना पड़ेगा दस का फिर अल्लाह ने कहा वो है जो इसके बाद है उसमें अल्लाह तला कह रहे हैं अब अल्लाह ने तुमसे तकफीफ कर दी है अल्लाह ने अपना हुक्म हल्का कर दिया है वाली कुमा अल्लाह को मालूम है कि तुम में कमजोरी है नया हुक्म क्या नाजल हुआ कि एक मुसलमान दो काफरों का मुकाबला करेगा अगर तीन काफिल हो तो मैदान छोड़ने की इजाजत है अगरचे तब भी अफसल यही है कि मुकाबला किया जाए लेकिन अगर कोई मुसलमान तीन काफरों के सामने मैदान छोड़ के भाग जाता है तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा लेकिन दो काफिल हो तो मैदान छोड़ने की इजाजत नहीं है तो पहला हुक्म क्या था एक मुसलमान कितने काफरों का मुकाबला करे दस नया हुक्म क्या नाजिल हुआ है कि मुसलमान कितने काफरों का मुकाबला करे दो का तो तख़फीफ हो गई नरमी कर दी गई पहला हुक्म मनसूख है और दूसरा क्या है नासक है तो ये नासक और मनसूख की मिसाल है नासक और मनसूख की मिसालों में से एक मिसाल ये है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना आए तो किबला किसको मुकर किया गया बैतुलमकदस बैतुम। को और बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया और किबला किसको मुक्र किया गया बैतुल्ला को यहूदियों ने इस पर बड़ा शोर मचाया वो कहने लगे कि अगर यह दीन अल्लाह की तरफ से है तो तब्दील क्यों होता है इसमें नसक क्यों है एक हुक्म को कैंसिल करके उसकी जगह पर नया हुक्म क्यों लाया जाता है तो अल्लाह इज्जत फरमा रहे हैं हम जो भी आयत मनसूख करें या हम उसे बुला दें हम उससे अफजल लेकर आते हैं ओ मित्रिहा या उस जैसी लेकर आते हैं यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला जिसका अकीदे से ताल्लुक है बयान करना चाहूँगा और उसमें मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा अल्लाह ताला कह रहे हैं जब हम कोई आय मंसूख करते हैं तो हम उसके बदले में उस जैसी आयत लेकर आते हैं या उससे बेहतर तो सवाल पैदा होगा क्या अल्लाह के कलाम में तफादुल मौजूद है तफादुल का मतलब क्या है कि अल्लाह के कलाम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अफजल हो यानी कि हम ये कहें कि अल्लाह तला के कलाम में से ये आय दूसरी ऐत से अफजल है ये सूरत दूसरी सूरत से अफजल है यह जुमला दूसरे जुमले से अफजल है जबकि सारे का सारा कलाम किसकी तरफ से है अल्लाह अल्ला अल्ला की तरफ से है ये बात हम मखलूक के बारे में कहें तो समझ में आती है कि इंसान कभी उसकी तबीयत बेहतर होती है तो अच्छी गुफ्तगु कर लेता है और कभी वह डीला होता है या सही तैयारी नहीं होती तो तकरीर अच्छी नहीं होती तो हम कहते हैं उसकी वो वाली तकरीर इस तकरीर से बेहतर है लेकिन क्या ऐसा जुमला हम अल्लाह रबुल्जत के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं मोत और जहमिया का कैदा यह है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्यों क्योंकि उनके नजदीक कुरान अल्लाह का कला, कुरान अल्लाह की सिफत नहीं है बल्कि क्या अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है और मखलूकत में तो आम सी चीज़ है कि एक चीज़ उसी चीज़ से अफजल होती है तिलकर रसूल फजल आबाद हो मालाबाद अल्लाह कहते हैं कुछ रसूलों को हमने दूसरे रसूलों पर फोकियत दी फजीलत दी कई रसूल कई रसूलों से अफजल हैं तो अल्लाह की मखलूक में ही यह चीज़ पाई जाती है तफादल पाया जाता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अफजल हो तो मोतजरा कहते हैं जहम्य का कीदा यह है कुमरा फिरकों का कीदा यह है कि अल्लाह के कलाम में तफादुल मौजूद है कलाम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अफजल होता है और ये आम सी चीज है क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है जैसे बाकी मखलूक में चीज पाई जाती है इस मखलूक में भी पाई जाती है लेकिन हमारा अकीदा क्या है और सही अकीदा क्या है कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है अल्लाह की सिफत है जैसे अल्लाह के हाथ अल्लाह की मखलूक नहीं है अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है अल्लाह तिलम अल्लाह की मखलूक नहीं है अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है और ये वो मौधू था जिस मौधु में इमाम अहमद को मार पड़ी इमाम अहमद ये बयान किया करते थे कि एक अल्लाह का कलाम कुरान अल्लाह का कलाम है मखलूक नहीं।, नहीं।, नहीं है उस जमाने के गुमराह लोग मोतजिला अकल कहा करते थे कि कुरान अल्लाह का मखलूक है इमाम तो इमाम अहमद ने कई बादशाहों से मार खाई कोड़े खाए लेकिन हक नहीं छोड़ा बिल आखिर इमाम अहमद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रबुलजरूफ फरमाया और उनका कैदा मौजूद रहा और बहुत से लोगों ने अकीदा अपनाया और मोतजिला उस जमाने में यह नाकाम ठहरे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया उनके असरात मौजूद हैं उनका है। कीदा किसी ना किसी शक्ल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है कुछ लोगों में पाया जाता है खसूस वो लोग जो मुनकरीन हदीस में से होते हैं जो आजकल के अकल परस्त हैं उनमें वो अकैद पाए जाते हैं जो मोतजला के होते हैं अगरचे वह अपने आप को मोतजली नहीं कहते तो अब सवाल यह पैदा होता है कि हम तो यह मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है तो हमारा अकीदा क्या है क्या हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के कलाम में तफादल है या हमारा अकीदा यह कि अल्लाह के कलाम में तफादल नहीं है तफादल का माना क्या जी एक चीज का दूसरी चीज से अफजल होना और तफादल के उलट उलट क्या होगा अदम तफादल यानी कि दो अल्लाह का कलाम सारे के सारा एक जैसा है बिल्कुल बराबर है ये दो नजरिए हैं ये दो अकीदे हैं तो इस बारे में दुरुस्त मौकफ यह है कि अल्लाह के कलाम में तफादुल मौजूद है मोतजला का भी यही अकीदा है लेकिन वो तो अल्लाह के कलाम को अल्लाह की मखलूक मानते हैं इसलिए अकीदा रखते हैं और हम उस गलत अकीदे से बचने के बावजूद ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के कलाम में तफादुल मौजूद है हमारी ये सोच क्यों है हमारी यह सोच इस ऐप की वजह से है अल्लाह ताला साफ़ साफ़ कह रहे हैं कि जिस आय को हम मंसूख करें या जिस ऐत को हम बुला दें हम उस ऐत से बेहतर ऐत लेकर आते हैं या उस जैसी लेकर आते हैं तो अल्लाह ने कहा कभी हम मनसूख ऐत जैसी आयत लेकर आएंगे कभी हम उससे अफजल और बेहतर लेकर आएंगे तो अल्लाह ने तो तफाजल को साबित कर दिया अल्लाह ने बता दिया कि मेरे कलाम में तफाजल मौजूद है और इस अमर की मजीद ताइद सूस से होती है मिसाल के तौर पर वो नसूस हदीस में वारद वो नुसूस, नुसूस जिनसे पता चलता है कि कुरान अल्लाह के उस कलाम से अफजल है जो पहली उमतों पर नाजल हुआ इमाम अहमद और इमाम त्रिमदी रिवायत करते हैं उबई बिन काब से कि नबी अली सात उसम फरमाते हैं सुरफातिया के बारे में वल्लि नफसी भी अदी माउम फिती तो वलाफिल इंजील ही वलाफिल जबूरी वलाफिल फ्री कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कौन कह रहे हैं नबी अली इस्लाम उस कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तो रात में इंजील में जबूर में और खुद कुरान में सोरा फात्या जैसा अल्लाह का कोई कलाम नहीं है अगर हम यकीदा अपनाएं कि अल्लाह का सारा कलाम एक जैसा है अल्लाह के कलाम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अफजल हो ऐसा मुमकन नहीं है तो फिर इस हदीस का मतलब क्या होगा अल्लाह के रूल तो बता रहे हैं कि सुरह फातह अफजल है सुरह फातह तो रा से भी अफजल इंजील से भी अफजल जबूर से भी अफजल और अल्लाह तला फरमाते हैं एक और मकाम पर अल्लाह नजला आहसन हदीस किताब मतशाह इस ऐद का मफूम यह है कि अल्लाह ने कुरान नादल किया है ये अल्लाह के कलाम में से सबसे बेहतर है यानी कि तराज से बेहतर इंजीर से बेहतर जबूर से बेहतर और ऐसे ही कुरान हदीस में ऐसी नसूस भी आई हैं जिनसे पता चलता है कि कुरान की कुछ सूरतें दूसरी सूरतों से अफजल हैं कुरान की कुछ आयतें दूसरी आयतों से अफजल हैं मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रवायत करते हैं अबू सईद इबन मे रजी अल्लाह कहते हैं कि नबी अलीस्म ने मुझसे कहा था लिम का सूरत अबू सईद तुम्हें मैं एक ऐसी सूरत के बारे में बताऊंगा जो कुरान की सूरतों में सबसे अजीम है इससे पता चला कि वो सूरत बाकी सूरतों से अफजल है वो कौन सी है रे फात्या तो सुरह फात्या तमाम सूरतों से अफजल तमाम सूरतों के मुकाबले में ज्यादा अजमत और अहमियत की हमल है और इमाम मुस्लिम वैद करते हैं उबई बेनकाब से कि नबी अली सात उसम ने उनसे सवाल किया था आई यू आयतिम किताबि का आदम यह बताओ उबई ये बताओ कि कुरान की एतों में से कौन सी सबसे अजीम है इनके सबसे अफजल है तो उन्होंने कहा था आयतुल कुर्सी और आपने उनको शबाश दी थी और उनके जवाब को दुरुस्त करार दिया था जहां तक ताल्लुक है लोगों के इश्काल का कि कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से उतरने वाला कलाम उसमें फर्क हो अल्लाह रबुल इज्जत ये सारा कुरान अल्लाह का कलाम है तो इसका एक हिस्सा दूसरे से अफजल हो कैसे मुमकिन है तो इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह के कलाम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अफजल होता है उस मजमून के अतबार से जो मजमून उस कलाम में वारद होता है मिसाल से बात वाजे हो जाएगी एक तरफ अल्लाह का कलाम है कुल हु अहद अल्लाहु समद लम वलम यूलद वलम यकूल अल्लाह एक है अल्लाह बे न्याज है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है सब उसके मोहताज हैं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है अल्लाह का कोई वालद नहीं है अल्लाह का कोई हमसर नहीं है अल्लाह का कोई शरीक नहीं है सारी गुफ्तु किसके बारे में है तो अल्लाह के बारे तो. में तोहहीद के बारे में और ये सूरत इतनी अजीम है कि एक सहाबी इस सूरत को नमाज की हरकत में पड़ा करते थे और अल्लाह के रसूल ने जब सवाल किया तो फरमाने लगे इसमें अल्लाह के औसाफ बयान हुए हैं तो मुझे इस सूरत से मोहब्बत है अल्लाह के औसाफ की वजह से आपने खुशखबरी दी थी जिस अल्लाह की वजह से तुझे सूरत से मोहब्बत है उस अल्लाह ने तुझे अपना महबूब बना लिया है और यह सूरत तुझे जन्नत में लेकर जाएगी दूसरी जानब तबत्यू अबी लाहबी तब अबू लहब के हाथ टूट जाए तबाह हो जाए और वो तबाह हो गया अब ये भी अल्लाह का कलाम है लेकिन गुफ्तु किसके बारे में हो रही है अबू लाहा के बारे में वहां गुफ्तु हो रही थी अल्लाह के बारे में अल्लाह के नामों के बारे में अल्लाह की बारे में अल्लाह का सूरत तो भी अजीम इस लिहाज है कि दोनों अल्लाह की तरफ से है लेकिन सोरसद इससे ज्यादा अजीम है ज्यादा अफजल है क्योंकि उसमें अल्लाह के औसाफ बयान हुए हैं तो अल्लाह के कलाम में जो मजमून वारद होता है जो गुफ्तगु हो रही होती है उसके एतबार से अल्लाह के कलाम में तफादल मौजूद है अल्लाह के कलाम में तफादल पाया जाता है और यही इस ऐत का जाहिर है जो ऐत हम पढ़ रहे हैं सोरह बकरा की ऐत ने छह, इसका जाहिर यही है और हम इसको इसके हकीकी माना पे मामूल करेंगे हम इसको इसके जहरी माना पर मामूल करेंगे हम इसकी तावील नहीं करेंगे जिनका अकीदा यह है कि अल्लाह के कलाम में तफादुल नहीं है अल्लाह का सारा कलाम एक जैसा है वो फिर इस ऐद की तावील करते हैं जबकि तावील की राह मसदूद है बंद है अल्लाह तला कह रहे हैं जो ऐत भी हम मनसूख कर दें या बुला दें हम उससे बेहतर ऐत लेकर आते हैं या उस जैसी बेहतर या उस जैसी इसे पता चला कि अल्लाह का कुछ कलाम दूसरे कलाम जैसा होता है और अल्लाह का कुछ कलाम दूसरे कलाम से बेहतर होता है अफजल होता है उसके बाद तआला फरमाते हैं अलम, अलम कुल्ली कदीर। तो बरहल नसख कुरान करीम में मौजूद है और उसमें कई हमतें हैं एक हमत में पहले बता चुका हूं क्या कि अल्लाह का एक हुक्म एक ज़माने के लिहाज से लोगों के लिए मुनासिब होता है और फिर उस हुक्म की जरूरत नहीं रहती लोगों के हालात तब्दील होने की वजह से फिर अल्लाह तला नया हुक्म नाजल करते हैं तो नसक में मजीद की हमते हैं मिसाल के तौर तो पर अल्लाह तला बंदों का इम्तिहान लेता है और यह बहुत बड़ा इम्तिहान है बहुत बड़ी इजमेश है जिनका अल्लाह पे पुख्ता ईमान है वो कहते हैं अल्लाह शहनशाह अल्लाह बादशाह जब चाहे जो चाहे हुक्म दे जब चाहे उठा ले और जिनका ईमान कमजोर होता है जो ईमान में डावा डोल होते हैं मुतजबिब होते हैं मुतरद होते हैं वो फितने में पड़ जाते हैं वो कहते हैं कि अगर ये शरीयत वाकई अल्लाह की तरफ से होती तो अल्लाह ने अल्लाह तो कैंसिल नहीं कर सकते अल्लाह तो मनसूख नहीं कर सकते मुर्तद हो जाते हैं और जब किबला तब्दील हुआ बैतलमस से बैतुल्ला काबा शरीफ को किबला किरार दिया गया कमजोर ईमान वाले कई लोग मुर्तद हुए तो नसख में मुसलमानों के ईमान का क्या होता है इम्तिहान होता है तो की कई हमतें हैं तो अल्लाह तलामातेम कदीर। क्या आपने जाना नहीं क्या आपको मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कादर है हर चीज पे कुदरत रखने वाला है ये जो शुरू में हमजा है इस्तफाम का यह यहाँ पे इनकार के लिए नहीं है तकरीर के लिए है यानी कि आप लोग जानते हैं ये बात कि अल्लाह तला हर चीज पर क़ादर है यहदा किसको मालूम नहीं है कि अल्लाह ती हर चीज पर क़ादर है तो यहां से अल्लाह तला के नाम कदीर का पता चला और अल्लाह तला की सिफत कुदरत का पता चला अल्लाह तला के नामों में से एक नाम क्या अलकदीर अल्लाह हर चीज पर कादर है कोई भी चीज अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है और अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या कुदरत तो अल्लाह तला हर चीज पर कादर है इस जुमले का इस ऐत से क्या तल्लुक है इस आयत में गुफ्तु हो रही थी नशक के बारे में कि अल्लाह जिस ऐद को चाहे मंसूख कर दें और जिसको मनसूख कर दें उसकी जगह पर अल्लाह तफजल लेकर आते हैं या उस जैसी ऐद लेकर आते हैं उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह हर चीज पर कादर है मतलब यह कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है अल्लाह तला अपने पहले हुक्म को मनसूख करने पर भी क़ादर है अल्लाह तला पहले हुक्म को मनसूख करके उसकी जगह पर नया हुक्म नाजर करने पर भी कादर है उसके बाद नंबर तो में अलम 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 क्या आपने जाना नहीं क्या आपको मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह उसी के लिए है आसमान ज़मीन की बादशाह और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त नहीं है और ना कोई मददगार है यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ही के लिए आसमान ज़मीन की बादशाहत है ये जो इस्तेफाम है ये भी तकरीर के लिए है यानी कि तुम जानते हो तुम लोगों को पता है अच्छी तरह कि अल्लाह ताला आसमान ज़मीन का मालक है तो जो आसमान ज़मीन का मालक है उसकी मलकियत का उसकी बादशाह का ये हिस्सा है कि जिस हुक्म को चाहे मंसूख कर दे जिस आर्डर को चाहे मंसूख कर दे और उसकी जगह पे नया आर्डर भेजे वो बादशाह क्या हुआ जो अपने पहले आर्डर को मंसूख ना कर सके तो अल्लाह ताला बादशाह हैं जो चाहते हैं करते हैं लायुसू अल्लाह से कोई बात पुष्ट करने वाला नहीं है अल्लाह से कोई मुआवजा करने वाला नहीं है अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है अल्लाह को कोई टोकने वाला नहीं है वो वह ला शरीक है इंसान इंसान को रोक सकता है क्योंकि एक जैसे हैं लेकिन खालिक उसके अलावा कोई और खालिक नहीं है वो मालिक उसके बराबर का कोई नहीं है दुनिया में जो लोग मालिक हैं किसी चीज के उनकी मलकियत आरजी है और उस मलकियत में भी डरते रहते हैं कि कब हमसे हमारी मलकियत छीन ली जाएगी मैं एक मकान का मालक हूं डरता रहता हूं कि मालूम नहीं कब कोई जालम आए और मेरे मकान पे कब्जा कर ले और मुझे मालूम है कि जब मैं फौत हो जाऊंगा यह मकान मेरी मलकियत में नहीं रहेगा मेरे बेटे के पास मेरे पोते के पास चला जाएगा जबकि अल्लाह की बादशाह बगैर किसी ऐप के बगैर किसी कमजोरी के अजल से अबद तक शुरू से आखिर तक तो अलमता क्या आपने जाना नहीं क्या आपको मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन की बादशाह ये पहले आया है इससे हसर का मना पैदा हुआ अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाह वमाल मिंद मम वली ला नसीर ये मानाफिया है नहीं है तुम्हारे लिए मिंद अल्लाह के अलावा मिम वलीगिन कोई भी दोस्त ये मिन कौन सा है जायदा ताकीद का माना पैदा हो गया कोई भी दोस्त नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई भी वली नहीं है कोई भी दोस्त नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके वला नसीर और ना कोई मददगार है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा, बचा सके उसके बाद आयत नंबर 108 उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अम तरीदू नलू रसूल कमा कबल अं

ये इनकार के लिए है यानी कि तुम्हारा ये चाहना गलत है तुम्हारा अल्लाह के रसूल से ऐसे सवालात करना जैसे सवाल मूसा से किए गए ये गलत है यहाँ पर मुखातब कौन है पहला सवाल ये है यहाँ पर सब लोग मुखातब हैं इस ऐत के मुखातब यहूदी भी हैं मुशरकिन अरब भी हैं मुसलमान भी हैं अम तो रीदूना क्या तुम चाहते हो तसअलू रसूल के तुम अपने रसूल से सवाल करो तो क्या अल्लाह के रसूलियों के लिए भी रसूल थे बिल्कुल। आपकी रसालत आम है पूरी दुनिया के लिए क्या तक के लिए मुसलमानों ने आपको रसूल मान लिया यहूदियों ईसाइयों ने नहीं माना मुशरकिन मक्का ने नहीं माना था लेकिन आप रसूल अल्लाह की तरफ से सबके लिए थे और यहां पर दूसरा सवाल यह पैदा होगा कि यहां पर कहा गया है कि तुम अपने रसूल से सवाल करना चाहते हो अपने रसूल से और कभी अल्लाह तला कहते हैं मेरे रसूल तो नबी अली के रसूल हैं या मुसलमानों के और लोगों के रसूल हैं आप दोनों के रसूल हैं अल्लाह के रसूल हैं इनके अल्लाह की तरफ से भेजे हुए लोगों के रसूल हैं यानी कि लोगों की तरफ भेजे हुए मुझे उम्मीद है कि मामला वाजे हो चुका होगा तो अम दूना, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से सवाल करो मूसा मिन कबल, जैसा कि मूसा इस्लाम से सवाल किए गए इससे पहले मूसा इस्लाम को अजीब अजीबो गरीब सवाल तंग किया गया मिसाल के तौर पर यह मुतालबा किया गया आप हमें अल्लाह रबुल का चेहरा दिखाई अल्लाह तला का दीदार कराएं जब हम अल्लाह ताला को देख लेंगे तब हम आपकी तस्दीक करेंगे तब हम आपकी बातों पे यकीन करेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं यस अलु का अहलुल किताब अन तुनज़िल अलैहिम किताब मिन अस्समा फ़क़द सअलु मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालु अरिना अल्लाह जहरा फ़अख़ज़तहुम सायक़तु बिज़ुल्मिहिम इस आयत पे गौर कीजिए जो भी मैंने पढ़ी है क्योंकि उस ऐत को समझने से यह ऐत वाजे हो जाएगी जिसकी हम तफसर कर रहे हैं अल्लाह कह रहे हैं कि अहले किताब आपसे सवाल करते हैं क्या सवाल करते हैं कि आप उन पे आसमानों से किताब नाजल करें यानी कि यहूदी ईसाई कहते हैं हमारे नबी मूसा सलाम अल्लाह की तरफ से तुरात की तख्तियां लेकर आए तो आप भी कुरान ऐसे लेकर आए ना तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो मूसा अली इस्लाम पे भी सही मानो ईमान लेकर नहीं आए ये तो उनको भी तंग करते रहे उन पर भी राजी नहीं हुए थे हालांकि वो तो रात को तख्तियों की शक्ल में अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे तो क्या उनको तंग नहीं किया था उनको भी तंग करते रहे उनसे क्या मुतालबा था कि आप ये किताब लेकर आए हैं हम तब मानेंगे कि किताब अल्लाह की तरफ से है जब हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख लें और ये उनका सवाल इतना बड़ा जुर्म था इतनी बड़ी गुस्ताखी पे मबनी था कि अल्लाह तला ने उन पे किसको नाज़ल किया बिजली को और उन मौत तारी कर दी गई फिर मूसा आलम की दुआ से अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया तो आप इस अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अजीब व गरीब सवाल किए और कैसे कैसे मूसा आल्लाम की सवालत के जरिए तोहन की तो अल्लाह तला कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपने रसूल से ऐसे सवाल करना चाहते हो और किया यहूदियों ने किया यह सलू कालू किताब न समा कुरान को हम तब माने जब आप इसे हमारे सामने आसमानों से लेकर नाजिल हों तख्तियों की शक्ल में तो ये ऐसा करना जायज नहीं है बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या मुखातबों के कह रहे हैं कि अपने रसूल से अपने नबी से ऐसे सवाल ना करो उन चीजों के बारे में सवाल ना करो जिन चीजों का जवाब तुम्हें बताया गया तुम्हें बुरा लगेगा विल कुफर बिल ईमान और जो ईमान के बदले में कुफर ले बा बदले का माना जाहिर कर रही है सवा सबी तो तहकीक वो भटक गया गुमराह हो गया किससे सीधे रास्ते से दुरुस्त रास्ते से इससे क्या मुराद है इनके नबी से गुस्सा खाना सवाल करना ये क्या है कुफर है तो जो नबी से गुस्सा खाना सवाल करता है वो क्या ले रहा है कुफर ले रहा है ईमान के बदले में तो क्या आपसे सवाल करने वाले मोमन हो, हो चुके थे अगर कोई ऐसा सवाल मोमन करता है जानबूझ के करता है तो वो क्या हो जाएगा काफिर हो जाएगा और अगर यहूदी ईसाई ऐसा सवाल करता है तो वो अगरचे मोमन नहीं हुआ था लेकिन ईमान उसके सामने पेश किया गया दीन पेश किया गया कुरान पेश किया गया तो वो उस ईमान के बदले में क्या ले रहा है कुफर ले रहा है वो मैं तबर अबिल ईमान और जो ईमान के बदले में कुफर ले सवा लेकल तो रास्ते से भटक गया इससे पता चला कि ऐसे सवाल करना जो अल्लाह की तोहन पर मबनी हो और आज यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के नौजवान ऐसे सवाल करते हैं जो अल्लाह की तोहन पर मबनी होते हैं कुरान की तोहन पर मबनी होते हैं नबी अलीसम की तोहन पर मबनी होते हैं मालूम लेने के लिए प्यारो मोहब्बत से सवाल करना यह और चीज़ है गुस्साखी पे मबनी सवाल करना और चीज़ है मिसाल के तौर पे नबी अली अलीसल्लाम की ग्यारह शादियों पे इतराज़ करना इसके बारे में सवाल करना और अल्लाह ताला ने चोर की जान आजल की है कि उसका हाथ काट डाला जाए इसके बारे में गुस्सा अंदाज में सवाल करना तो ये सारे ऐसे सवालात हैं जो गुस्साखी पर मबनी हैं मुर्तद की सज़ा इस्लाम में क्या है कतल है इसके ऊपर इतराज़ करना ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान को ईमान से कुफर में दाखिल कर देती हैं अल्लाह इज़्ज़त हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने कलाम पे ईमान लाने की तौफीक दे व रब्बिल आलमीन